करता है और खुद भी मारा जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अब ऐसा प्लेन तैयार किया है जिसकी काट पूरी दुनिया को खोजे नहीं मिल रही। रूस के इस प्लेन को एटम सुसाइड प्लेन कहा जा रहा है। तो क्या अब रूस को छेड़ने पर भी भस्म होने का खतरा है? क्या है ये एटम सुसाइड प्लेन? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। हमें छेड़ोगे तो भस्म कर देंगे। पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदला और अब विश्व मंच पर जाकर डंके की चोट पर गर्जा कि रूस झुकेगा नहीं, हारेगा नहीं, भस्म कर देगा। इसलिए हमसे हमारे दुश्मनों की दूरी है बहुत ही जरूरी। जो हमारे दायरे में आने की कोशिश करेगा वो राख हो जाएगा। यह गरज है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की। लावरोव की गरज पूरी दुनिया ने सुनी, क्योंकि जिस मंच से सर्गेई ने रूस के इरादे जाहिर किए वो मंच था UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। सबसे पहले आप सुनिए सर्गेई लावरोव को। чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это вновь произошло вчера в Бейруте. Трагическое и неприемлемое развитие событий в арабо-израильском конфликте. रूस करेगा परमाणु आत्मघाती हमला। लावरोव ने यूएन के मंच पर जो भी बोला बिना लाग लपेट के बोला। लावरोव लय में बोल रहे थे, उन्हें पुतिन का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। रूसी विदेश मंत्री के निशाने पर नेटो भी, रूस के विदेश मंत्री के निशाने पर अमेरिका भी था। लावरोव ने दावा किया कि पश्चिमी देश कीव का इस्तेमाल रूस को हराने के सपने देख रहे हैं, तो वो भ्रम में जी रहे हैं और इसी भ्रम के साथ वो यूरोप को आत्मघाती हमले में झोंकने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब सुनिए सर्गेई लावरोव का पूरा बयान। нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовит и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности, опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия. रूस एटॉमिक पावर, दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम रूस ने अपने परमाणु गोदाम में जमा ही नहीं कर रखे, बल्कि अपने दुश्मनों को किसी भी वक्त भस्म करने के लिए तैनात भी कर रखे हैं। तो क्या मिसाइल हमले का जवाब रूसी शैतान से देंगे पुतिन? तो क्या ज़ेलेंस्की के गोले का जवाब देगी रूस की RS-24 यार्स? तो क्या रूस की इस्कंदर खत्म कर देगी ज़ेलेंस्की का यूक्रेन? ये तो रूस की वो परमाणु मिसाइलें हैं जिनका नाम दुनिया को मालूम है, लेकिन पुतिन के परमाणु गोदाम में ऐसी हजारों मिसाइलें हमले के लिए तैयार रखी हुई हैं जिनका नाम तक दुनिया नहीं जानती। रूस के पास इस वक्त करीब 6000 परमाणु हथियार हैं और उसने 1710 एटम बमों को भी तैनात कर रखा है। पहले बदली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, अब UNGA में गर्जा। पिछले कई महीने से पुतिन के रक्षा मंत्री, रूस के टॉप मिलिट्री कमांडर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करने की बात कर रहे थे, लेकिन पुतिन की इस धमकी को दुनिया के बाकी मुल्कों ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब पुतिन ने वही कर दिया जिसकी वो धमकी दे रहे थे। पुतिन का ये बयान तब आया है जब विजय ने कथित तौर पर यूक्रेन को रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। जैसे ही यह खबर आई कि यूनाइटेड किंगडम ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत रूस के अंदर तक करने की परमिशन दे दी है, पुतिन की आंखें लाल हो गई। पुतिन गुस्से से तमतमा उठे। दुनिया भर के देश ब्रिटेन की इस परमिशन से संघर्ष के बढ़ने की संभावना जताने लगे और आखिरकार बात परमाणु बम तक आ पहुंची। Обновленные редакции документа
агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства. यूक्रेन को ब्रिटेन ने स्टॉर्म शेडो और अमेरिका ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एटकैम्स मिसाइलें दी हुई हैं। ये लंबी दूरी की घातक मिसाइलें हैं जो करीब 300 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। अभी तक यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सीमा के भीतर ही कर सकता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने स्टॉर्म शेडो के इस्तेमाल की इजाजत रूस के अंदर तक करने की परमिशन दे दी है। लेकिन ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने मीडिया से बातचीत में इन मिसाइलों के इस्तेमाल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। Well, there's only one reason we're having these discussions, and that is because Putin has illegally invaded Ukraine. The quickest way to resolve this, obviously, lies through what Putin actually does, because it's for him to end this. But we are having a discussion. We've stood with Ukraine. Ukraine has a right to self-defense. And we've stood united, not just with allies here in the US, but across with our NATO allies. That's very, very important to us. But today was about having a chance to talk not just about a particular step forward tactic, but the strategy in relation to Ukraine. पुतिन अब फैसला ले चुके हैं और दुनिया जानती है कि पुतिन एक बार जब कोई फैसला ले लेते हैं तो वो खुद की भी नहीं सुनते। 2026 में जर्मनी में अमेरिका के लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती की घोषणा ने हमारा ध्यान खींचा है। इस मिसाइल के टारगेट पर रूस के कई राज्य और सैन्य ठिकाने हमारे। पुतिन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहाँ से पश्चिमी देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूके नहीं।